न्याय दर्शन के हम चौथे अध्याय के प्रथम आने के अंतिम प्रकरण अपवर्ग परीक्षा प्रकरण पर विचार कर रहे थे जिसके अंतर्गत सूत्र संख्या 60 को हम देख रहे थे सूत्र था प्रधान शब्दानुपत्ते है गुण शब्देनानुवादो निंदा प्रशंसोपत्ते है पूर्व में प्रसंग चल रहा था पूर्व पक्ष के तरफ से कि जो तीन कारण बताए उन तीन कारणों में से एक कारण था ऋण कि ऋण के कारण अपवर्ग अर्थात मुक्ति मोक्ष नहीं हो पाएगा जीवात्मा का क्यों नहीं हो पाएगा क्योंकि तीन ऋण से युक्त होकर के जात बालक उत्पन्न होता है और वह ऋण उसके ऊपर कौन कौन से है उसके लिए मंत्र को कोट किया कि जायमान हवई ब्राह्मण ही त्रिभी ऋण ही ऋणमान जायते ब्रह्मचरेण ऋषिभ्यो यज्ञ देवभ्य प्रजया पितृभ्य तीन ऋण हैं ऋषि ऋण देवऋण पितृऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋण और तीनों ऋणों से ऋण होने के लिए तीन उपाय बताए ब्रह्मचर्य के द्वारा ऋषि ऋण यज्ञ के द्वारा होम के द्वारा देवऋ और संतान उत्पत्ति के द्वारा पितृ ऋण से उड़े होने की बात कही गई उसमें से जो मुख्य रूप से ऋण की बात थी उसके मुक्ति के संदर्भ में एक और मंत्र आता है वेद में कि जरा मरम व इत सत्रम यद्निहोत्रम दर्शपूर्णमाशी जराश तस्मा सत्राद विमुच्यते मृत्युना वाई करें कि यह जो याग है होम है जिसके माध्यम से ऋण से ऊण हुआ जाता है वह कर्तव्य कर्म है और कब तक कर्तव्य कर्म है तो उसके लिए कहा कि जरा मरियम बुढ़ापे से लेकर के जब तक मृत्यु ना हो जाए या तो खटिया पर गिर जाओ समर्थ ही नहीं हो शरीर चलने फिर न हो ऐसा हो गया कि अनुष्ठान कर ही नहीं सकते याग आदि का तब या तो छूटेगा अथवा अच्छा गात्र चल रहे हैं चलते चलते बिना खटिया वगैरह भी मृत्यु स्वाभाविक हो जाती है तो या तो मृत्यु हो जाए तब वो कर्म छूटेगा अन्यथा कर्म वो नहीं छूटेगा और जब ये आजीवन कर्म छूटने वाले नहीं हैं तो आपके अपवर्ग रूपी जो कर्म हैं ध्यान साधना भजन आदि उसके लिए समय कहाँ मिला जब मिला ही नहीं तो मुक्ति कहाँ से होगी क्योंकि अभी जब तक से इससे निवृत्त नहीं हो पाएगा तब से दूसरा कर्म कर नहीं पाएगा समय ही नहीं है उसके पास इसलिए मुक्ति नहीं हो पाएगी उसी के लिए ये साठ नंबर सूत्र महर्षि सूत्रकार ने दिया कि यह जो आप कह रहे हो मंत्र में जायमान हो वही ब्राह्मण ही कि जायमान का मतलब उत्पन्न हुआ ब्राह्मण बालक तीन प्रकार के रिहो से होता है उसमें से ये कहा कि ये जो ऋण शब्द है वह गौण अर्थ में है प्रधान अर्थ में नहीं है प्रधान अर्थ में ऋण शब्द का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर कुछ वस्तु आदान प्रदान की जाती है पैसे इत्यादि के संदर्भ में देखा जाता है कि एक व्यक्ति ऋण को देने वाला होता है वह यह सोच करके ऋण को देता है कि वह व्यक्ति मेरे को लौटाएगा और जितना दिया हूं उससे अधिक लौट आएगा इसी को ध्यान में रख करके वो ऋण देता है नहीं तो क्यों ऋण दे उतना उतना का उतना ही वापस आए तो ऋण नहीं देगा तो वह उससे भी ज्यादा कालांतर में उसको मिलेगा इस कारण से वो ऋण देता है और ऋण स्वीकार करने वाला इस कारण से स्वीकार करता है कि मेरे को इस ऋण को फिर उतारना है लौटाना है तो वहां पर जहां पर देना लेना पुनः वापस लौटाना ऐसी क्रियाएं होती है उसको प्रधान रूप से ऋण शब्द से कहा जाता है परंतु यहां पर देव ऋण ऋण और ऋषि ऋण में कोई इस प्रकार का आदान प्रदान है नहीं कि तो भाई आप देवताओं को क्या लौटाओगे हम माता पिता को क्या लौटाएंगे माता पिता ने हमको जन्म दिया ये हमारे ऊपर उनका ऋण है तो उसको हम कैसे लौटाएंगे उन्होंने हमको उत्पन्न किया हम उनको उत्पन्न कर दे ऐसा तो हो नहीं सकता कि चलो मामला बराबर हो गया हो गया काम जो है ऋण हो गए परंतु तो ऐसा तो संभव ही नहीं है और देव ऋण उसमें भी देवताओं को हम क्या देंगे जो हमारे लिए इस समष्टि में पंचभूतों के माध्यम से जो हमें जीवन प्रदान कर रहे हैं अनुकूल वातावरण प्रदान कर रहे हैं उनके लिए हम क्या दे सकते हैं इसी प्रकार जो ऋषि ऋण जिन्होंने ज्ञान की अविच्छिन्न परंपरा हम तक पहुंचाई है उनको हम क्या दे सकते हैं तो यहां पर लेन-देन संभव ही नहीं है, देना लौटाना ये सब संभव ही नहीं है इसलिए यहां पर इन संदर्भों में जो ऋण शब्द है उसको संकुचित करना पड़ेगा गौण अर्थ करना पड़ेगा संकुचित का मतलब कि यहां पर प्रधान अर्थ संभव नहीं हो पाएगा इसलिए यहां पर गौण अर्थ लेना पड़ेगा तो ऋण का मतलब यह होगा कि ऋण जैसा ऋण नहीं है ऋण जैसा तो किस कारण से ऐसा कहा गया है कारण बताना पड़ेगा कि ऋण शब्द को आप यहां पर संकुचित करके प्रधान अर्थ ले रहे हो किस कारण से ले रहे हो तो महर्षि ने कहा कि निंदा प्रशंसा पत्ते है समानता होनी चाहिए बिना समानता के कैसे अर्थ लिया जाएगा गौण भी अर्थ लेना पड़ता है तो कुछ ना कुछ समानता को देख करके लेना पड़ता है कुछ सामिप्य अर्थ लेना पड़ता है तो सामिप्य अर्थ क्या होगा यहाँ पर सामिप्य अर्थ यह होगा कि दोनों में कुछ समानता है ऋण में और यहाँ पर इस संदर्भ में कुछ समानता है क्या समानता है कि जीवात्मा के ऊपर जब वह शरीर धारण करता है मां के गर्भ से निकलता है तो उसके ऊपर कुछ दायित्व है उन दायित्वों को वह जब तक निर्वहन नहीं कर पाता तब तक उसको अच्छा नहीं माना जाता कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति है जब तक उसके ऊपर दायित्व है तब तक उस दायित्व के पूर्ति के लिए वो अथक परिश्रम करता रहता है और तभी जाकर के उस व्यक्ति की प्रशंसा होती है कि ये जिम्मेदार व्यक्ति है इसने जो दायित्व इसको दिया गया था इसको इसने निर्वहन किया इसलिए जगत में उसकी प्रशंसा होती है यह वैसे ही होता है जैसे कोई ऋण लिया हो व्यक्ति और ऋण को समय से वापस कर दिया हो तो उसको कहते हैं कि अच्छा व्यक्ति है प्रशंसा का पात्र बनता है समाज में और इसके विपरीत यदि कोई जिम्मेदार व्यक्ति है अब उसको जिम्मेदार नहीं कह सकते गैर जिम्मेदार कहेंगे कि जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी परंतु उस जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया और उस जिम्मेदारी का निर्वहन न करने के कारण उसकी संसार में निंदा होती है कि इस व्यक्ति को जिम्मेदारी दी गई थी इसने ठीक से निर्वहन नहीं किया इसलिए निंदा का पात्र है समाज में उसकी निंदा होती है यह वैसे ही होता है जिस प्रकार से कोई व्यक्ति कर्ज लिया हो और कर्ज को समय से चुकाया नहीं या उसको खा गया मार गया किसी प्रकार से दिया ही नहीं तब उसकी भी निंदा होती है। इन दोनों में समानता है ऋण के साथ जो घटनाएं घट रही है इस प्रकरण में भी वैसे ही देखा जाता है इसलिए ऋण जैसा ऋण समझना चाहिए वास्तव में ऋण उस प्रकार से नहीं होगा लेकिन निंदा और प्रशंसा की दृष्टि से कि जो इन दायित्वों को तीन दायित्व हैं ऋषि ऋण पितृण और ऋण इन तीन दायित्वों को जो ठीक ठीक से निर्वहन कर देता है उसकी संसार में प्रशंसा होती है इसलिए वह ऋण जिस प्रकार से चुका देता है व्यक्ति उसी प्रकार से यह प्रशंसित होता है तो इस प्रकार से यहां पर प्रशंसा और निंदा ये जो दो समानता है ऋण में और इस प्रसंग में तो इन दो समानताओं के कारण यहाँ पर ऋण शब्द पढ़ा गया है ऋण तो शब्द यहाँ पर निरर्थक नहीं है क्योंकि तो ऋण पढ़ा है तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि यदि ऋण शब्द पढ़ा है उसका आपने अर्थ लिया ही नहीं तो फिर तो शब्द व्यर्थ हो जाएंगे उस मंत्र में परंतु शब्द का अर्थ लेना पड़ेगा शब्द है तो शब्द का अर्थ लेना पड़ेगा कौन सा अर्थ लेना पड़ेगा ऋण जैसा ऋण यानी कि हम उसको संकुचित कर दिए ऋण वास्तव में ऋण नहीं क्योंकि यहाँ ऋण बन ही नहीं सकता हम क्या दें उनको ऋण से भी कुछ और अधिक चीजें हो तो कह सकते हैं लेकिन ऋण कर्ज से अधिक चीज कैसे उदाहरण हम यहाँ पर प्रस्तुत करें भगवती श्रुति ने ऋण शब्द से उसको कहने का प्रयास किया लेकिन फिर भी वह ऋण जैसा नहीं ऋण से भी बहुत ऊपर है वो अनमोल है वो जो कर्तव्य है ऋषियों के देवों के मातृ के वह जो कर्म है वो अनमोल है किससे उसको मापे उसको हम माप नहीं सकते अनुपम है अनमोल है तो इस कारण से अब ऋण शब्द से कह दिया गया है लेकिन पूरे पूरे ऋण शब्द के जैसा वहां पर हो नहीं सकता इसलिए संकुचित अर्थ लेना पड़ेगा निंदा और प्रशंसा की दृष्टि से तो ऐसे जो निंदा और प्रशंसा के वचन हैं वो किस कारण से लिए गए हैं तो उसके भी एक शब्द डाला अनुवाद कि यह जो मंत्र है ये अनुवाद है तैत संहिता का मंत्र है अनुवाद का मतलब ये होता है कि जहां कहीं विधि कही होती है कुछ विधियाँ होती हैं ये पहले भी आ चुका है दूसरे अध्याय में भी हमने इसका वर्णन किया था कि वेद मंत्र कितने प्रकार के होते हैं उसमें से कहा कि विधि अर्थवाद अनुवाद इस तीन प्रकार के भेद से मंत्रों में भेद होते हैं कुछ विधि वाक्य होते हैं यानी कि वहाँ पर सीधा सीधा नियम किया हुआ होता ऐसा है ऐसा करिए अग्निहोत्तरम जुहिया काम यहाँ पर जुहिया जो है वो प्रेरक वाक्य है इसलिए उसको विधि वाक्य कहा जाता है और कुछ अनुवाद होते हैं अनुवाद का तात्पर्य होता है कि विधि का ही पुनर्वचन किया जाता है विधि का ही पुनर्वचन यानी कि दोहराया जाता है अब एक बार तो कह दिया गया है विधि के रूप में दूसरी बात उसी बात को शब्दांतर से या अर्थांतर से किसी भी प्रकार से भाव वही रहता है उसी भाव को पुनः दोहराना उसको कहते हैं अनुवाद उसको विधि नहीं मानते अनुवाद मानते हैं वो भी एक प्रकार से प्रेरक ही होता है कि इसको अवश्य करिए जल्दी जल्दी दोहरा दिया जाए उसी विधि को एक कहे कि आप पढ़िए अब ये विधि कर दी गई कि आपको पढ़ना चाहिए पढ़ो ये विधि वाकई हो गया परंतु अब इसी को कह दिया जाए पढ़ो 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 अब पढ़ो पढ़ो दो बार कर दिया यह विधि वाक्य नहीं ये है यह अनुवाद उसी को दोहराया गया इसका भी तात्पर्य होता है कि आप जल्दी पढ़ो खूब पढ़ो मन लगाकर पढ़ो तो ऐसे वाक्यों को जो विधि के ही तात्पर्य को पुनः कथन करे दोहराए उसको कहते हैं अनुवाद तो यह चूंकि वचन है शास्त्र का वचन है वेद का वचन है इसमें कोई भी वाचक पद नहीं है विधिवाचक पद मतलब क्रियापद होता है कि वह आपको प्रेरित करे कर्म के तरफ ऐसे कोई शब्द नहीं है इसमें कि आपको करना चाहिए करें बस इतना कह दिया गया है अब इसमें भी क्रियापद नहीं है कि ब्रह्मचर्य ऋषिभ्य जैन देवे कि भाई ब्रह्मचर्य के द्वारा ऋषि ऋण से ऊ हुआ जाता है अब इसमें हुआ जाता है और होवो या ऐसा करके ऊर्ण हो इसमें अंतर है दोनों बात में तो इसलिए इसको अनुवाद वचन कहा जाता है कि ऐसे अनुवाद वचन है और इसका तात्पर्य जो है इतना ही है कि विधि को पुनर्वचन करके विधि की तरफ आपको पुनः संकेतित कर रही है इसलिए यहां पर गौण अर्थ लेना चाहिए दूसरी बात ये तो ऋण शब्द को लेकर हुआ यहाँ पर और भी कहा भाष्यकार ने तो इसमें और भी कुछ बात कही कि यह इस मंत्र में ऋण शब्द ही का ही गुण अर्थ नहीं लेना पड़ेगा अपितु तो ऋण से अतिरिक्त भी शब्द है उनका भी गुण अर्थ करना पड़ेगा जैसे प्रारंभ में ही शब्द दिया जायमान वही ब्राह्मण हुआ बालक अब उत्पन्न हुआ बालक ब्राह्मण बालक है जायमान हवई ब्राह्मण ही उत्पन्न बालक ही होगा और ब्राह्मण है उसके ऊपर ये तीन ऋण है और उन तीनों से ऋण होने के लिए तीन उपाय भी बताए गए हैं अब यहां पर कह रहे हैं कि यह जो जायमान पद है जायमान मतलब उत्पन्न होता हुआ तत्काल का बच्चा अब कह रहे हैं कि जायमान का मतलब यहां पर उत्पन्न नहीं लेना चाहिए क्यों नहीं लेना चाहिए क्योंकि जायमान बालक जो है वह क्या अनुष्ठान कर सकता है मान लीजिए कि उसके ऊपर तीन ऋण भी है श्रुति उसको बता भी रही है कि हे बालक तेरे ऊपर तीन ऋण हैं और ये तीन ऋण कैसे ऋण होंगे ब्रह्मचर्य से ऋण होंगे यज्ञ से ऋण होंगे और स्वाध्याय से होंगे ये संतानोत्पत्ति से होंगे तो इस प्रकार से ये तीनों ऋणों से तुम ऋण हो वो यदि मान लो कि श्रुति उसको बोल भी दी तो वो बालक क्या बोल करेगा वो बालक न अभी समर्थ है वाक्य व्यवहार में वो न अभी शब्द को सुन करके अर्थ मालूम कर पाएगा और न ही वह क्रिया में प्रवृत्त हो पाएगा तो उसके लिए तो कथन व्यर्थ है यदि बालक के लिए ये कथन है तब और बालक के लिए यह कथन हो ही नहीं सकता क्योंकि बालक तो अभी समर्थ ही नहीं है समझने में समर्थ नहीं अभी तो उत्पन्न हुआ है और समझ भी ले तो करने में समर्थ नहीं है क्योंकि उसके पास अभी उतनी शक्ति नहीं है करने की ये अनुष्ठान है हवन संतान उत्पत्ति ये बालक तो नहीं कर सकता तो इसलिए इस श्रुति का भी तात्पर्य आपको समझना पड़ेगा कि श्रुति में जो जायमान पद है वह जायमान पद उत्पन्न होना ऐसा नहीं है उसका अर्थ उत्पन्न होना बालक लेंगे तो श्रुति व्यर्थ हो जाएगी क्योंकि श्रुति ऐसी बात कही नहीं सकती ये तो सामान्य व्यक्ति भी नहीं कर सकता जो श्रुति का अनुगमन नहीं करता जो श्रुति नहीं पढ़ा है नहीं जानता वेद नहीं जानता नहीं पढ़ा लिखा है वो समान से समान लौकिक व्यक्ति भी क्या ऐसा कहेगा कि हे बालक तेरे ऊपर तीन ऋण हैं और तू जो है ऐसा ऐसा करके इस ऋण से ऋण हो जाओ ऐसा कहेगा यदि कहेगा तो मूर्खी होगा कहने का कोई मतलब ही नहीं है वो बालक समझ ही नहीं पाएगा तो जब सामान्य व्यक्ति भी इस प्रकार के वचन बालक से नहीं कह सकते तो यह जो परमापता आपता भगवती श्रुति है वह कैसे कह सकती नहीं कह सकती इसलिए इसका अर्थ समझना पड़ेगा लेकिन श्रुति व्यर्थ नहीं हो सकती यह अकाट्य सिद्धांत है ब्रह्म वाक्य है कि श्रुति कभी व्यर्थ नहीं हो सकती श्रुति है तो उसका कोई ना तो कोई तात्पर्य है उसको समझने का प्रयत्न करना चाहिए आचार्य उसको समझाते हैं यहाँ पर जायमान जो पद है वह जात बालक न होकर यानी कि उत्पन्न हुआ बालक न होकर के प्रवेश करता हुआ बालक है ऐसा लेना पड़ेगा जायमान हो ब्राह्मण ही का मतलब गृहस्थ आश्रम में जाता हुआ जो ब्राह्मण बालक है उसके लिए यह कथन है कि तुम अब गृहस्थ में जा रहे हो इसलिए तुम्हारे ऊपर तीन ऋण है ऋषियों के ऋण है इसलिए तुम स्वाध्याय को मत छोड़ना क्योंकि ये जो ऋषियों की अखंड परंपरा चली आ रही है ज्ञान की वेद की शास्त्र की उपनिषद आदि की यह परंपरा को तुम छोड़ना नहीं परंपरा कब बनी रहेगी जब ब्रह्मचर्य पूर्वक तुम उसका अनुष्ठान करोगे और उसको आगे बढ़ाओगे क्योंकि ज्ञान के लिए ब्रह्मचर्य आवश्यक है ब्रह्मचर्य अर्थात इंद्रिय संयम जब तक से इंद्रिय संयम नहीं होगा तब तक ज्ञान विज्ञान का स्थिरीकरण नहीं हो सकता इसलिए ब्रह्मचर्य का यानी कि इंद्रियों का संयम रख करके तुम इस ज्ञान विज्ञान को आगे करना अथवा ब्रह्म में रत होकर ब्रह्म आचरण करके तुम इस दिव्य कर्म को इस दिव्य दायित्व को निर्वहन करना इसलिए वहां पर ब्रह्मचर्य शब्द पढ़ा है उसको ध्यान में रख करके गृहस्थ बालक के लिए दूसरा कहा कि देवों के ऋण है इसलिए तुम नित्याग्निहोत्र करते रहना और समय समय पर जो अश्वमेधादिग है समर्थ हो तो उसको भी करते रहना इसलिए वो भी देवताओं का ऋण हैं इसलिए उसका भी तो अनुष्ठान करना और तीसरा बताया कि जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसलिए तुम इस आश्रम का वर्ण कर रहे हो वह है संतानोत्पत्ति करना क्योंकि यह आश्रम ही उसी के लिए बनाया गया है कि ये प्रजातंतु चलता रहे ये जो संतान का जो क्रम है वंश परंपरा है ये आगे बढ़ती रहे इसी के लिए गृहस्थ आश्रम का निर्माण किया महर्षियों ने तो उस दिव्य दायित्व को भी तुम निर्वहन करना ऐसा इसका अर्थ है और ऐसा जब अर्थ करेंगे यानी कि जायमान पद से गृहस्थ में प्रवेश करता हुआ बालक ऐसा अर्थ लेंगे तो सूत्र सार्थक हो जाएगी वहां ठीक बैठेगा कि नहीं भाई आ, वो समझने में भी समर्थ है और वो सब समझ सकता है इन दायित्व को पूरा भी कर सकता है संतान उत्पत्ति भी कर सकता है याग आदि भी कर सकता है ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान भी कर सकता है इसलिए समर्थ है समर्थ भी है समझ सकता है और सारी स्थितियाँ उसके सामने घट भी रही है लेकिन जब जायमान शब्द का अर्थ हम बालक करेंगे तब तो ये संभव नहीं हो सकता इसलिए महर्षि ने कहा कि आपको जायमान पद सुनाई दे रहा है परंतु अर्थ आपको लेना पड़ेगा गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता हुआ ब्राह्मण और ब्राह्मण शब्द से भी यहाँ पर उसको भी गौण अर्थ करना पड़ेगा ब्राह्मण का मतलब केवल ब्राह्मण वर्ण ही नहीं अपितु तो अन्य भी जो द्विजाति के वर्ण हैं, उनको भी इसमें समावेश करना पड़ेगा क्योंकि उनका भी इन सब में अधिकार है देव ऋण पितृण और ऋषि ऋण को पूर्ण करने के लिए जो द्विज हैं उनको भी इसमें अधिकार है इसलिए ब्राह्मण शब्द से यहाँ पर भी अन्य वर्ण का भी ग्रहण हो जाएगा इसलिए ब्राह्मण शब्द भी अन्य वर्णों का भी उपलक्षण है तो इस प्रकार से इन श्रुतियों का अर्थ है इसलिए जो आप यह कह रहे हो कि ऋण उसके ऊपर है और ऋण पूर्ण न होने के कारण उसके ऊर्णी करने के लिए जो प्रयत्न करेंगे तो आजीवन करना पड़ेगा इसलिए वो संभव ही नहीं है आपका मुक्ति करके ऐसा नहीं है ऋण का मतलब वहां पर ऋण ऐसा नहीं है वो अपने दायित्व को ठीक से निर्वहन कर देता है तो वो उससे उर्न हो जाता है तो इस प्रकार से महर्षि ने इस मंत्र को समझाने का प्रयत्न किया अब दूसरी बात इसमें यह है कि जो श्रुति में यह कहा गया कि जरा मरियम याग है बुढ़ापे से लेकर मरण पर्यंत किया जाने वाला है इसका अनुष्ठान करते रहना चाहिए तो इसमें भी जरा शब्द का अर्थ समझाते हुए महर्षि कह रहे हैं भाष्यकार ने समझाया कि जरा का तात्पर्य यहाँ पर बुढ़ापा नहीं लेना चाहिए जरा का तात्पर्य है यहाँ पर जो आयुष्य के चतुर्थ काल है जो चौथेपन है जिसमें संन्यास ग्रहण करते हैं विरक्ति हो जाने पर जीवन के चौथे पड़ाव में संन्यास का विधान किया गया है एक तो क्रमिक संन्यास है कि ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में जाओ गृहस्थ से वानप्रस्थ में जाओ और वानप्रस्थ से फिर संन्यास में जाओ तो 25-25 वर्ष की काल निर्धारित की गई है उसके अनुसार 75 वर्ष के बाद जो आयु होती है वो सन्यास की होती है जो आयुष्य का चतुर्थ भाग होता है तो उस चतुर्थ भाग में यानी कि उस चतुर्थ भाग तक आपको ये कर्म करने हैं ऐसा जरा का अर्थ करना पड़ेगा जरा का अर्थ बुढ़ापा या इंद्रियों का शिथिल होकर के खटिया पर पड़ जाना ऐसा अर्थ नहीं है जरा का मतलब है कि जब तक आप पूर्ण आयुष्य के जो चतुर्थ भाग में आप प्रवेश नहीं कर गए यानी कि सन्यास लेने का समय तक आपको ये अनुष्ठान करने हैं संन्यासवाद सब छूट जाते हैं क्योंकि दायित्व का निर्माण कर चुका होता है इसलिए वो विशेष दायित्व उसके लिए एक ही दायित्व रह जाता है ब्रह्म प्राप्ति इसलिए और बाकी सब दायित्व से मुक्त हो जाता है क्योंकि जो श्रेष्ठ का वर्ण कर लेता है तो बाकी के जो छोटे मोटे कर्म होते हैं हो, अपने आप छूट जाते हैं श्रेष्ठ के वर्ण से उसमें अपने आप सब आ जाते हैं जैसे हाथी के पैर में सब समाहित हो जाते हैं इसीलिए ब्रह्म की प्राप्ति ब्रह्म रूपी कर्म ब्रह्म के उपासना ये दिव्य कर्म है इन कर्मों में सारे प्रकार के कर्मों का समावेश हो जाता है सारे प्रकार के दायित्व तो इसमें आ जाते हैं जिसने श्रेष्ठ का वर्णन कर लिया वह समस्त कर्मों को निर्वहन कर ही लिया ऐसा समझना चाहिए तो इस प्रकार से इस मंत्र में जरा शब्द का अर्थ खटिया पर गिर जाना नहीं है अभी तो आयुष्य के चतुर्थ भाग में यानी कि सन्यास ग्रहण काल तक यह अनुष्ठान अग्निहोत्र रूपी करना चाहिए ऐसा तात्पर्य तो इस प्रकार से आज हमने कुछ चर्चाएं की आगे पुनः इस पर और चर्चा करेंगे आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं शेष अगले अंक में